युग में नव क्रांति की जलती मशाल है ये, दिल का है दिल वाला और हिम्मत विशाल है ये। नव युग में नव क्रांति की जलती मशाल है ये। हर दर घर हर रैन सदा उजाला ये बाटेगी, लाएगी सुख चैन। दुख का अंधियारा छाटेगी हर दर घर हर रैन सदा उजाला ये बाटेगी, लाएगी सुख चैन। रे भैया लाल टेन लाल टेन लाल टेन अपनी का हर एक वोट किसान के हक में, किसान के हक में पढ़ाई लिखाई शिक्षा हर एक छात्र के हक में, हर छात्र के हक में। इस बार आपका एक एक वोट न्याय के हक में, हाँ जी न्याय के हक में, काम नौकरी नौजवान के रोजगार के हक में, रोजगार के हक में। दुख का दियारा छाटे हर दर घर हर रैन सदा उजाला ये बाटेगी, लाएगी सुख चैन। रे भैया लाल टेन लाल टेन लाल टेन अपनी लाल टेन लाल टेन लाल टेन। रे भैया लाल टेन लाल टेन लाल टेन अपनी लाल टेन लाल टेन लाल टेन। खाने नए उद्योग और विकास के हक में, विकास के हक में। उप दवाई महिला सुरक्षा की बात के हक में। सुनो पांच है पीछे जा, पीछे जाते हैं तो आप मंच पे जितने हमारे साथी बैठ जाएं। बैठ जाओ, आगे से बैठ जाओ, आगे से बैठ जाओ भैया, बैठ जाओ, बैठ जाओ। चलो मंच पे यहाँ केवल कैंडिडेट है, ए कैंडिडेट को खाली खड़े रहने दीजिए। बैठ जाएगा, बैठ जाएगा, देख लिया सर, बैठ जाएगा। हेलो उम्मीदवार रहे ना, बैठ जाएगा। अच्छा ठीक। मंच पे उपस्थित महागठबंधन के वामपंथी दलों के, राष्ट्रीय जनता दल के और हमारे कांग्रेस पार्टी के जितने भी नेता पदाधिकारी कार्यकर्ता, हम चाहेंगे कि आप सब लोग मंचासीन जितने हैं बोल लेने दीजिए। सीन जितने लोग हैं वो सभी लोग सहयोग करें। 16-16 सभा है, 16-16 सभा है, ये 11वां सभा, इसके बाद का भी सभा हमको जाना है। हम जानते हैं कि बहुत लोगों का बोलना था लेकिन समय कम है, इसलिए आप सब लोगों से हाथ जोड़ करके माफी मांगते हुए, क्योंकि समय
ना आपके हाथ में है ना मेरे हाथ में, एक दिन में 16 सवा करना पड़ता है। तो हम ज्यादा कुछ ना कह के मुद्दे पे आते हैं। श्री नारायण जी को लालू जी ने, श्रीकांत जी को लालू जी ने महागठबंधन ने उम्मीदवार बनाया है। ये हमसे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं। तो हम कहना चाहते हैं इनको एक एक वोट लालटेन पे बटन दाब करके आपको जिताने का काम कीजिए। श्रीकांत जी को जाना है ना, दोनों हाथ ऊपर करके बताइए। यहां से श्रीकांत जी के साथ साथ तेजस्वी यादव भी एक बार से चुनाव लड़ रहा है। सब लोग एक गोलबंद रहिए, एकजुट रहिए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 15 साल से हैं, बेरोजगारी नहीं मिटा पाए, रोजगार नहीं दे पाए, कारखाना नहीं दिए, गरीबी नहीं मिटा पाए, पलायन नहीं रोक पाए, भुखमरी नहीं मिटा पाए। 15 साल में शिक्षा को चौपट कर दिए, अस्पताल को बर्बाद कर दिए। ये किसी से छुपा नहीं है, दिल पे हाथ रख के कहिएगा। जब ब्लॉक और थाने जाते हैं तो बिना घूस दिए हुए कोई काम होता है क्या? नीतीश जी के राज में 60-60 घोटाले हुए, 30,000 करोड़ रुपए का बंटर बात किया गया। इसलिए हम एक मौका एक बार की जनता से मांगने आए, हमको एक मौका दीजिए, मिलेगा कि नहीं? सुनो भैया, भैया सुनो, सुनो, सुनोगे धैर्य तब ना। गला भी फटा हुआ है, एक दिन में 15-16 सभा होता है तो शांति बढ़ाएगा तब ना आवाज समझ में आएगा। देखिए श्रीकांत जी बहुत मेहनत किए हैं, बहुत मेहनत किए हैं, ईमानदार आदमी है, मेहनत करते हैं, और मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग मौका दीजिएगा तो पूरी अच्छे से ईमानदारी से आप लोगों की सेवा करेंगे। और यही नहीं, हमारी सरकार बनेगी तो वृद्धा पेंशन 400 से 1000 किया जाएगा। वृद्धा पेंशन इतना महंगाई हो गया, कहां से काम चलने वाला? प्याज के दाम शतक छू रहा है, शतक पार रहा, 100 रुपया हो गया, 80 पार तो हो ही गया। तो इतना महंगाई, हर तरीके से सब लोग परेशान हैं। पेट्रोल डीजल महंगा हो गया, हर चीज महंगा हो गया। जितनी आंगनबाड़ी महिला है, जितनी जीविका जितने स्वयं सहायक समूह हैं, उन सब को हम लोग नियमित करने जा रहे हैं और उनके मानदेय को दुगुना किया जाएगा। तो ज्यादा कुछ हम नहीं कहेंगे, समय कम है। रवानों के आशीर्वाद रही कि ना रही? हाँ, तो क्लियर कर दिया। हम एक एक आदमी से हम अपील करेंगे कि 10-10 वोट बने।